कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सिक्स। किसका कौन सा भेजा आपने? पार्ट थ्री का क्वेश्चन है। मैं इसका पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर। हाँ सर, पार्ट थ्री का ही हो। जो पार्ट थ्री का ये क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर टू भी है, पहले सिक्स करते हैं फिर सेवन भी है। ठीक है, एक मिनट। जितने से क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा भाई है? लेट एम पी बी द मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, एम वन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड एम टू द मास ऑफ दिस कैल्शियम न्यूक्लियस। देन तो इस केस में क्या हो रहा है? दरअसल हमारे पास में इसमें अपने को प्रोटॉन भी दिया है और अल्फा सॉरी, और ये हो सकता है कि इसमें ऐसा पॉसिबल है कि कैल्शियम 20-40 है ना, और अगर इसको ब्रेक करना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अपने को। तो ये मिलके क्या बना रहा है हमारे पास में? ये टू नियोन है ना, ये 10-20 हो गया। नहीं होगा, या तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों फ्यूज होके और हमारे पास में सी ए 40-20 प्लस एनर्जी ये रिलीज कर रहा हो। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें? रिलेशन बताना है कि इसमें क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ से देखो आप, और तो कुछ बोला नहीं इसने, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये फ्यूज होके ये बना रहा है। मान लो हम तो ऐसा समझेंगे कि फ्यूज होके अगर ये बना रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या लिखोगे? क्योंकि फ्यूज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी के बारे में बात करेंगे वो लिखेंगे टू एम एन ई इंटू सी स्क्वायर है ना, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में एम सी ए इंटू सी स्क्वायर, ये हो गई हमारी क्यू वैल्यू, यानी ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी हो सकता है, बाइंडिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं हम लोग, लेकिन पहले इसका समझते हैं। इसका मास कितना है पहले समझ लेते हैं। नियोन का मास एम वन दिया तो टू एम वन माइनस एम टू इंटू सी स्क्वायर, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब हुआ कि टू एम वन ग्रेटर देन एम टू हो गया, तो एक तो ऑप्शन नंबर सी अपने को मिल गया, यानी ए और बी तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? डी ऑप्शन की। तो ये तो था हमारे पास में सी ऑप्शन, अब डी ऑप्शन की बात करते हैं। तो डी ऑप्शन की जब हम बात करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो पहले M1 की बाइंडिंग एनर्जी यानी नियोन के बारे में बात करेंगे, नियोन की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे? तो 10 इंटू एम पी प्लस 10 इंटू एम एन माइनस इसका मास कितना दिया है एम वन इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, और ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 10 एम पी प्लस एम एन और ये ग्रेटर देन एम वन, एक आंसर ये भी सही है।
इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी और ये डी और ये सी दोनों करेक्ट है। पॉइंट क्लियर है भाई? सर नहीं, जो आपने ऊपर दो रिएक्शन लिखे है उसमें हमने सेकंड वाला कौन से बेसिस पे डिसाइड किया कि वही वाला आपने के? क्योंकि मैंने इस बेसिस पे किया कि दोनों फ्यूज होके तो बना रहे होंगे ना, अगर ऐसा है पॉसिबल है तो ठीक है। क्योंकि मैंने तो अभी तो कुछ इस पे बेसिस कोई नहीं था, केवल ये ऑप्शन, ये अपने को जो क्वेश्चन दिया है ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को चलना था। जिस तरह की इसने इंफॉर्मेशन दिया है ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ये दिया है कि टू न्यूरॉन मिलके कैल्शियम बना रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ध्यान में रखते हो और बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी ठीक है। उन्होंने बोला नहीं है कि ऐसा, क्योंकि मास नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ, मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना ही ऐसे होता है, आई बात सुन में, क्योंकि मास की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो हम फिजिबल है कि नहीं है कैसे पता करेंगे। लेकिन जिस तरह से उसने इंफॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर जो है ना वो ये होने चाहिए। क्योंकि मास तो हमें किसी का भी पता नहीं, जब तक आप मास के बारे में कह नहीं सकते हो तब तक आप क्यू वैल्यू कैसे बता सकते हो, सारे अननोन है। लेकिन अननोन को ही ध्यान में रखते हुए ये बताना था अपने को कि इंफॉर्मेशन इस तरह की है कि टू न्यूरॉन मिलके कैल्शियम बना रहे हैं। ओके ओके सर, ठीक है। और कौन सा था क्वेश्चन नंबर टू? अब जैसे इसमें दिया हुआ है The heavier stable nuclei tend to have larger n by z ratio because तो अगर stable है तो simple सी बात है कि न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन का number अगर ज्यादा हुआ तो जो न्यूक्लियर फोर्स है इसका मतलब क्या हुआ वो? इसका मतलब से तो बिल्कुल सही है हमारे पास में, न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटोन, वो कोई रीजन नहीं है ठीक है। न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल, ये भी कोई रीजन नहीं है। लेकिन न्यूट्रॉन डज नॉट एग्जर्ट इलेक्ट्रिक रिपल्शन तो होता नहीं है, इसलिए उस केस में वो स्टेबल हो सकता है। जैसे बिस्मिथ 83 स्टेबल होने का रीजन ही है ये ठीक है, कि उसमें एन क्या होता है, ज्यादा होता है जेड के कंपैरिजन में, ऐसा है ना उसमें? तो क्वेश्चन नंबर टू, फिकेरा कोलाम फोर्स हैव लार्जर लॉन्गर रेंज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्सेस, ये भी सही है। क्योंकि देखो होता क्या है मेनली तो यही है कि इसकी रेंज इससे तो ज्यादा है न्यूक्लियर फोर्सेस से, तो इनफाइनाइट तक होता है तो, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है ना, किसकी, प्रोटॉन की क्वांटिटी कम होती है, तो रिपल्शन तो है लेकिन यहाँ न्यूक्लियर फोर्स हावी होने की वजह से वो क्या बना रहता है, स्टेबल बना रहता है। तो ये तो क्या इंफॉर्मेशन बेस्ड है, वो तो याद रखना ही है आपको, इसमें तो क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं ठीक। इसका सी और डी सही है। और कौन सा बताना है क्वेश्चन नंबर सेवन? सर न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे सेम ही होता है ना? हाँ सेम ही होता है। तो उसमें उसमें फिर हम प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन नहीं देखते ना ऐसे? फिर न्यूक्लियर नहीं, रिपल्शन तो हो ही रहा है, रिपल्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम कर ही रहा है वहां, दोनों फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही और न्यूक्लियर फोर्स भी है। उसके बाद भी हम प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम ही बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स? हाँ न्यूक्लियर फोर्स तो सेम ही बोलते हैं। अच्छा ठीक ठीक। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन, न्यूक्लियर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए आर बींग प्रोड्यूस एट कॉन्स्टेंट रेट। तो मान लो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए, ये कॉन्स्टेंट रेट से बन रहा है अल्फा से, द एलिमेंट हैज अ डीके कॉन्स्टेंट, यानी ये लेकिन डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है, तो मान लो बी बना रहा है, तो कह रहा है कि टी इक्वल टू जीरो पर इसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर कितने हैं, जीरो है ठीक। तो किसी जनरल टाइम टी की अगर हम बात करेंगे तो इसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर कितने हैं, एन है, यानी इसके बनने की जो रेट है सिक्स्थ वाला है, उसमें हम ये तरीके से सोच सकते हैं कि मतलब जो आयन तक मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता जाता है, तो हम ये मान सकते हैं ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका इसका नियॉन का कम होगा कैल्शियम से। हाँ तो उससे हम ये मान सकते हैं ना कि टू इंटू जो बाइंडिंग एनर्जी, टू इंटू नियॉन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट हम ये बोल सकते हैं ना, हेवियर का ज्यादा होता है मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी, तो
उससे फिर हम जो आपने ये फॉर्मूला लगाया वो लगा सकते, उल्टा नहीं होगा। हाँ वैसे भी सोच सकते हो क्योंकि उस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, क्योंकि आयरन तक तो आप जा ही सकते हो ना। तो ये इसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। तो यहाँ मान लो नियोन है और ये कैल्शियम बना रहे हैं, तो इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, जैसे कि ये जो पीक आ रहे हैं ना, जैसे हीलियम का अगर आप देखो, वो हीलियम की इसका जो नियर पॉइंट होगा ना, उसके कंपैरिजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। ये जो पीक आने का मतलब, क्योंकि ग्राफ एकदम स्ट्रेट ऐसा नहीं है ना कि पूरा मतलब कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो ये हाँ आ रही बात सुन में, तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा बस ये। हाँ इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर। तो इसमें ये हो रहा है कि इसकी बनने की जो रेट है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, ए की, वो dN by dt है, और वो किसके इक्वल, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, यानी हो गया अल्फा माइनस लैम्डा इनटू एन ना। ये लॉजिक सुन माया, मान लो अगर अल्फा जीरो होता तो dN by dt इक्वल टू माइनस लैम्डा एन तो होता है, होता है ना, लेकिन ये बन भी रहा है, तो नेट जो फॉर्मेशन रेट है इसकी वो ये होगी ना, क्योंकि साथ में डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो लैम्डा एन तो सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, तो dN by alpha minus lambda n equal to dt, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग, ये जीरो से t है और ये n not to n करेंगे, इसका इंटीग्रेशन में मुझे कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो आना ही है, और ये सब नहीं आता है तो फिर सोचने वाली बात है, फिर कर ही क्यों रहे हैं। क्योंकि अब तो गणित तो ऐसे आना चाहिए कि लगना चाहिए कि बस अब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अल्फा माइनस लैम्डा एन है ना, अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ए टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा एन इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ए टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये अगेन नंबर ऑफ हमारे पास में, तो ठीक है, तो वन बाई लैम्डा इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ए टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारे पास में एन की वैल्यू आ गई। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए एट टाइम टी, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ए सही है, तो बी गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है, टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो टी टेंस टू इन्फिनिटी पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो अल्फा बाई लेमड़ा आ जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, यहीं से देखो, अब आप अल्फा ये वैल्यू देखो, इसका मतलब dN by dt जीरो हो गया, ये मतलब हुआ ना, इसका मतलब dN by dt क्या हो रहा है, वहां जीरो हो रहा है, तभी तो ये वैल्यू आ रही है, ये मतलब भी निकल रहा है इसका, है ना। तो जो बन रहा है वही डिसइंटीग्रेट होता है। तो ये कह रहा है कि इफ अल्फा इक्वल टू, ये दे दिया, तो देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर विल बी, तो अल्फा की वैल्यू रखो यहाँ, तो अल्फा की वैल्यू कितना है, तो टू एन नॉट लेमड़ा बाई लेमड़ा इक्वल टू टू एन नॉट, तो ये भी सही है, तो सी भी सही है, तो सी सही है, तो फिर अब डी का भी समझ लेते हैं। देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए आफ्टर वन हाफ लाइफ ऑफ ए विल बी, तो यहाँ से कितने पर अगर अल्फा ये है, तो हमारे पास में एन की वैल्यू ये है ना, यानी डी में देख लो आप हाफ लाइफ के बाद, तो एन इक्वल टू वन बाई लेमड़ा अल्फा माइनस लेमड़ा लेमड़ा एन नॉट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ये तो हो गया लेमड़ा, इसने कहा आफ्टर वन हाफ लाइफ, यानी इसका मतलब हुआ एल एन टू बाई लेमड़ा, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। तो वन बाई लेमड़ा अल्फा माइनस लेमड़ा एन नॉट
ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/2 मिलेगी ना, है ना, ये तो मेरे ख्याल से आता ही होगा आपको, ये 1/2 हमारे पास आ गया, तो अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ यार, तो 1/λ तो कितना आ गया, तो 2n0λ माइनस 2n0λ माइनस लेमड़ा एन नॉट 1/2, तो ये कितना मिलेगा अपने को, आप यानी 3/2, तो 3/2 एन नॉट आना चाहिए, कितना आ रहा है लेकिन एन नॉट बाई टू आ रहा है, इसका मतलब गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका, ए और सी सही है। बात समझ में आ गई भाई सबको? हाँ सर। अच्छा ये तो हो गया इसका, तो पार्ट फोर बाद में करेंगे, हो जाएगा वो भी। अब बताओ उसके क्वेश्चन किए आपने, वो 1-8 वो दिए थे मैंने। किया आप लोगों ने कि नहीं किया, बोलिए। एग्जांपल वाले ना सर, कैलोरीमीटर। हाँ, कैलोरीमीटर के एग्जांपल वाले किए। हाँ, कर लेना सारे। और हाँ, इसके शीट वाले किए, एक्सरसाइज 1 के सेक्शन ए, पार्ट 1 का सेक्शन है, नहीं किया? नहीं वो नहीं किया सर अभी। तो क्या किया जाए फिर अब? ये चैप्टर तो हमारा एक, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, हो ही जाएगा, मतलब थर्मल एक्सपेंशन ही तो बचाएंगे। फिर बोलो क्या करें, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का बहुत मतलब डेंस थ्योरी दिया है, और वो उसमें डायग्राम वायग्राम भी दिया है, वो सब पता होना चाहिए। नहीं नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर का तो पता तो उतना होना चाहिए कि मतलब इतना अमाउंट, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए तो कितना अमाउंट चाहिए, समझ रहे हैं ना आप, मतलब वो सब। हाँ, ये कि जैसे कुछ चीज़ें से मेंस में वो पूछ सकते हैं कि कौन सा मटेरियल होता है, मॉडरेटर क्या होता है ना, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब तो वो एक बार देख लो, याद कर लो, मतलब लिख लो, अंडरलाइन कर लो कि ये पॉइंट होते हैं, है ना, वो जैसे उसमें भी मेंस के लिए। एडवांस के लिए तो देखो, अगर क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा कि इतना अमाउंट है, इतना है, इतनी एनर्जी है, उस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि तो शीट में भी दिए हुए हैं, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए पीछे वो कर लो, ठीक है। लेकिन वो फैक्ट्स तो क्या पूछेगा, मुझे नहीं लगता, वो तो मेंस में पूछे जाते हैं सर, मतलब मॉडरेटर वाला ये सब इस तरह के क्वेश्चन, तो उसमें तो याद करने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना? नहीं सर, एक ही चीज जैसे कैडमियम वगैरह ही दिया। हाँ तो बस उतना याद कर लो, और क्या, वो याद होना चाहिए, मतलब ये एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, वो सारे, मतलब मेरा मानना है कि ज्यादातर पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये सर, वो डीटी रिएक्टर ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में वो याद होने चाहिए, वो तो याद करने की जरूरत नहीं है, है ना उसका, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन अगर याद है तो ठीक है, है ना, पर वो याद नहीं के पूरा, जैसे वो कार्बन कार्बन रिएक्शन है वो सन के अंदर, और ये सब जो होती है वो नहीं, वो सब याद कौन करेगा, तो पागलपन है, वो थोड़े याद करना है, ठीक है सर, ऐसा कोई वो नहीं है, ब्लड ठीक है सर। डीपीपी नेक्स्ट क्लास से करना है। हाँ डीपीपी मिल गया ना आप लोगों को? अच्छा डीपीपी में जो, एक मिनट। हाँ सर, मैंने फर्स्ट पेज सेंड कर दिया। हाँ भेजा था आपने, उसमें डीपीपी में यार ये तो कर लिया आपने, डीपीपी बंद तो कर ही लिया होगा ना, कि नहीं किया? वो सर जाने दो, वो जो आप बोल रहे हो ट्रिग्नोमेट्री वाले बोल रहे हैं ना आप, हाँ वो जाने, वो तो कर लो वो, उसको वो डीपीपी मैथमेटिकल से कर लो, मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट छोड़ के, अब तो वो तो आने लग गया ना आपको यार, अब तो आना चाहिए डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, वो तो मतलब वैसा हो गया जैसे मैं अगर आपसे कहूँ 2 × 3 कितना होता है, तो आप तुरंत बोलो सर 6 होता है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, अब तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वेक्टर ये सब चीजें ऐसी होनी चाहिए अब आपके लिए, तो उसमें है ना हरिभाषण में, अब उसमें भी आपको सर बताइए डिफरेंशियल x² का क्या होता है, sin a² का क्या होता है,
बेटा फिर तो फिर भूल जाओ, फिर तो क्या कराएं। फिजिक्स में यही तो है, अगर एक बार मैथ्स अच्छे से हो जाए तो फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट करना बहुत आसान होता है, मतलब बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो चाहो तो, और नहीं चाहो तो कोई बात ही नहीं है उसमें, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। चलो हम बात कर रहे हैं कैलोरीमेट्री में, ये तो पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन का तो देखो कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है, जैसे भी आप ये देख रहे हो ना, हम देखो इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो देखो छोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो बड़ा हो गया, समझ रहे ना, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट होती ना वैसे, मतलब कि आप उसका जैसे जैसे छोटी साइज में बनाओगे तो छोटा फोटो बनेगा, है ना, बड़ी साइज में बनते जाएगा तो उसी प्रोपोर्शन में हर एक के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि कोई भी अगर आपने बॉडी लिया और कोई भी दो पॉइंट आपने चूज कर लिए, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया है तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करना ही करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करना ही करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करना ही करना है। आई बात समझ में? तो ये थर्मल एक्सपेंशन है, और ये देखा गया कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनकी जो लेंथ में जो चेंज आता है वो टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरह से आपने टेम्परेचर चेंज किया है। तो यहाँ ये ही समझना है, यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कोई टेम्परेचर पर अगर ये बॉडी दी है मान लो आपको 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अगर रिजिड बॉडी है तो फिक्स होगी, है ना, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, क्लियर, इसलिए इसको थर्मल एक्सपेंशन बोला गया है, ठीक है। तो तीन तरह के थर्मल एक्सपेंशन की हम लोग बात करते हैं, एक होगा लीनियर, है ना, एक होगा सुपरफिशियल, जिसको हम लोग एरियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और एक होगा क्यूबिकल या वॉल्यूम। ये तीन तरह के एक्सपेंशन की हम लोग बात करेंगे। वैसे तो एक बात हमेशा याद रखो, जब मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे कि कोई वायर है, उस वायर की लेंथ के कंपैरिजन में उसका जो डायमीटर का जो डायमेंशन है ना वो नेग्लिजिबल होता है, काफी स्मॉल होता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें एक्सपेंशन नहीं होता डायमीटर वाले पार्ट में, उसमें भी होता है, ठीक है ना, उसमें भी होगा, लेकिन लेंथ के कंपैरिजन में उसमें एक्सपेंशन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, फिर से अगर बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे। अदरवाइज हर एक बॉडी जो है ना उसमें जो एक्सपेंशन होता है वो पूरे वॉल्यूम में होता है, लेकिन हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जैसे अगर मैं सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ तो वो प्लेन होगा, तो उसकी जो थिकनेस है ना, वो जो प्लेन बन रहा है, जो प्लेन लेमिना होगा, उसकी डायमेंशन के कंपेरिजन में थिकनेस क्या होगी, वहाँ नेग्लिजिबल होगी, ऐसा नहीं कि उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, वहां भी एक्सपेंशन तो होगा, है ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, लेकिन हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग मान लो एक रॉड है, और इसकी जो ये मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पर है, और इसकी जो लेंथ है मान लेते हैं एल नॉट है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ के हो गया टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, और इसकी लेंथ हो गई बढ़ के एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ओके, मतलब ये हुआ
कि जो डेल्टा एल लेंथ है वो दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एल नॉट के, यानी इनिशियल लेंथ के, उसी हिसाब से उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा टी के। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एल नॉट डेल्टा टी, है ना, और डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, जहाँ अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, ठीक है, यानी अल्फा इक्वल टू यहाँ डेल्टा एल बाई एल नॉट डेल्टा टी। अब ये अल्फा भी वेरी कर सकता है, ये पोजीशन के साथ वेरी कर सकता है, टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है ना, अल्फा जरूरी नहीं कि कॉन्स्टेंट ही रहे, ये इस तरह से। लेकिन देखा जाए तो मेन फॉर्मूला यही है ना, तो अगर मैं इसमें कहूँ कि इफ डेल्टा टी टेंस टू अगर जीरो है तो अल्फा इक्वल टू जाएगा डी एल बाई एल नॉट डी टी, ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा। लेकिन यहाँ तो लिख लो इसको, ये आवाज आ रही है ना? हाँ सर। लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है दरअसल वो ये रहेगा, इसी को याद रखना है आपको। अब मान लो कोई भी रॉड अगर है वो L1 लेंथ से मान लो L2 पे जाती है और T1 डिग्री सेल्सियस से वो T2 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाते हैं, है ना, तो अब इस केस में क्या होगा दरअसल यहाँ, और अल्फा को मैं यहाँ कॉन्स्टेंट मान रहा हूँ, है ना, अल्फा क्या हमारे पास में यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो इस केस में हो जाएगा डी एल बाई एल, एल ले लेता हूँ एल नॉट की जगह, इक्वल टू अल्फा डी टी, और इसको इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग कि हो जाएगा टी वन से टी टू और ये एल वन से एल टू, तो ये हो जाएगा एल एन एल टू बाई एल वन इक्वल टू अल्फा टी टू माइनस टी वन, यानी एल टू इक्वल टू एल वन ए टू पावर अल्फा T2 माइनस T1, ये हमारे पास में एक्चुअल लेंथ ये होती है, एक्चुअल लेंथ क्या होगी ये होगी। लेकिन अगर मान लो मैं कहूँ कि इफ अल्फा T2 माइनस T1 अगर लेस देन वन है मान लो, तो हमें ये मालूम है कि ए टू पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, ये मालूम है सबको। तो अगर आप देखो कि अगर x लेस देन वन है तो e टू पावर x को क्या लिखते हैं हम लोग, वन प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि हायर पावर तो सारी नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो वही केस यहाँ लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एल टू इक्वल टू एल वन वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन ना,
यानी ये लेंथ। तो जब भी आपको ये वाली लेंथ यानी जब भी इस फॉर्मूले को यूज करना होगा तो ये कंडीशन हमेशा याद आना चाहिए, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। और ये तो मेन फॉर्मूला है, ये तो हमेशा वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कंडीशन होगी तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लो पहले। सर एक डाउट है, पूछो। सर वो जो चेंज इन लेंथ है वो L0 के इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल कैसे है, वो कैसे बता रहे हम लोग L0 के प्रोपोर्शनल? सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो कि मान लो एक 1 मीटर की है, मान लो कोई रॉड है 1 मीटर की, तो उसको टेम्परेचर बढ़ाया मान लो हमने, है ना, मान लो पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे था, 20 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, हरी बात सुन। और एक 2 मीटर की है मान लो, तो 2 मीटर वाली में एक्सपेंशन ज्यादा होगा ना, और एक 1 मीटर वाली उसमें एक्सपेंशन कम होगा, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा उसका भी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर चेंज हमने सेम किया है, दोनों का अल्फा भी सेम ही है मान लो, तो एक में लेकिन लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, एक में लेंथ कम बढ़ेगी। ये देखा गया कि अल्टीमेटली इनिशियल लेंथ कितना है, हाँ इनिशियल लेंथ कितना है उसके प्रोपोर्शनल होगी वो डेल्टा है, जो भी चेंज होगा ना वो इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर? हाँ ठीक है। फाइनल लेंथ कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, फाइनल लेंथ मतलब ज्यादा रहेगा ना 2 मीटर वाले में, तो फिर वो डेल्टा एल आता है। नहीं ज्यादा तो रहेगा ही, लेकिन उसका जो डेल्टा एल भी है ना वो पहले वाले के डेल्टा एल से ज्यादा होगा, 1 मीटर वाले से ज्यादा होगा डेल्टा, उसका जो लेंथ चेंज हुआ ना दोनों, मतलब जो 2 मीटर वाली उसकी लेंथ चेंज ज्यादा होगी। वो कैसे होगा ज्यादा, वो समझ में नहीं आया बेटा, सेम कैसे हो सकता? चलो आप ही बताओ, तो मुझे कॉमन सेंस भी तो लगाओ। सेम नहीं होगा सर, सेम नहीं होगा, लेकिन ज्यादा कैसे बोल रहे हम लोग? अरे तो उसकी लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा होगा ना फिर, तभी तो उसके प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं ना हम लोग। चेंज इन लेंथ जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो अपने को एक्सपेंशन नजर आएगा ना फिर। ठीक है सर। बेटा ठीक नहीं है ना, वही तो ठीक नहीं है वो, ये कहना कि ठीक है सर ये वाली बात नहीं, क्योंकि ये चीजें सब एक्सपेरिमेंटली भी देखी गई है, ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखा गया कि जब भी लेंथ चेंज होती है तो जिसकी लेंथ ज्यादा है ना उसमें लेंथ चेंज ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ सर। तो ये हमारे पास में, अब इसमें भी क्या है कि अल्फा का वेरिएशन जैसे पोजीशन के साथ हो सकता है, टेम्परेचर के साथ हो सकता है ना, तो वेरिएशन इन अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विद डिस्टेंस एंड टेम्परेचर। सर हाँ बोलो। सर उसमें आपने एक दो कंडीशन बताया ना, L1 L2 से चेंज हो रहा है और T1 T2 टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। हाँ। तो हम लोग ने अल्फा को कांस्टेंट माना है ना वो केस में? हाँ, इस केस में अल्फा को कांस्टेंट माना, मैंने लिख दिया ना वहाँ, इस केस में मैं अल्फा को कांस्टेंट मान रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अब इस केस में मान लो अल्फा का वेरिएशन है तो, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है ना वो ये वाला ही है मेन फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अल्फा का वेरिएशन है तो अल्फा ऐसे हो सकता है कि अल्फा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में चेंज हो रहा हो, ठीक है। अब इसमें का मतलब क्या हुआ वो समझाते हैं आपको। मान लो जैसे कि यही रॉड है हमारे पास में, ये एक्स इक्वल टू जीरो और ये एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एल नॉट है, ये टी 9 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक। अब इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया और टेम्परेचर हो गया टी नॉट प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, तो हर पॉइंट का टेम्परेचर डेल्टा टी हुआ, लेकिन हमें मालूम है हर पॉइंट का टेम्परेचर डेल्टा टी तो है, लेकिन हर पॉइंट पर अगर आप जा रहे हो तो अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब लेंथ में जो होगा ना डेल्टा एल जो होगा हर पॉइंट का क्या होगा, अलग अलग होगा ना। मान लो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं पहले यहाँ एक चीज समझा देता हूँ, मान लो टेम्परेचर पहले टी 9 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर बढ़ा के हमने डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया, तो अब जो यहाँ डी एक्स मैंने लिया था मान लो, है ना, और जो डी एक्स यहाँ लिया मैंने,
तो इसमें इंक्रीमेंट क्या होगा, इस वाली डीएक्स में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा ना। तो इसमें मान लो डी एल वन इंक्रीमेंट हुआ, इसमें डी एल टू हुआ, तो आप देखोगे कि डी एल टू जो है डी एल वन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका अल्फा तो ज्यादा है, इस यानी ये तो एक्स इक्वल टू जीरो है कि नहीं। जो यहाँ का जो अल्फा है वो तो ज्यादा है ना, ये मेरे ख्याल से 0.7 मारा होगा, इसके अकॉर्डिंग है मान लो, है ना। तो ओवरऑल लेंथ जो होगी वो चेंज होगी, तो हर पॉइंट पर क्या होगा अपने को इंडिकेट करना पड़ेगा, यानी हर पॉइंट यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का लिख के पूरा इंडिकेट करेंगे तो अपने को ओवरऑल एक्सपेंशन आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ कैसे, क्योंकि अल्फा इस तरह से वेरी कर रहा है, तो यहाँ जाएंगे हम लोग, तो एक्स पर जाके ये डीएक्स अगर मैं लेता हूं, तो मैं इस डीएक्स की बात करूंगा, मैं इस डीएक्स के इंक्रीमेंट की पहले बात करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला क्या मेरे पास में, ये फॉर्मूला है, तो मैं क्या लिखूंगा एल नॉट की जगह, एल नॉट की जगह मैं यहाँ लिखूंगा डीएक्स, यानी यहाँ हो गया अल्फा इक्वल टू डी एल बाई, यहाँ लिखूंगा मैं डीएक्स इंटू डेल्टा टी। आ रही बात सुन में? क्यों? क्योंकि अल्फा वेरी कर रहा है ना, तो डीएल क्या हो जाएगा यहाँ, अल्फा डी टी, ये तो हर पॉइंट का डेल्टा टी तो हर पॉइंट का सेम है, हर पॉइंट पर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो तो सेम है, लेकिन इसको फिर ऐसे इंडिकेट करूंगा मैं। तो अल्फा क्या है यहाँ, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और डेल्टा टी को आप बाहर ले लो और इसको जीरो टू इंडिकेट कर दो आप, है ना, जीरो टू एल नॉट ऐसे इंडिकेट कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल इंक्रीमेंट इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल इंक्रीमेंट कितना हो, यानी डी एल मतलब इसको डेल्टा ले लेता हूँ, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, चेंज है दरअसल, है ना। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ये ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी एक्स और जीरो टू एल नॉट, तुम्हारे पास आ गया ए एल नॉट का होल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल नॉट, ये डेल्टा एल, यानी इतना इंक्रीमेंट होगा उसमें इनटू डेल्टा टी भी है, इनटू डेल्टा टी जितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया। बात सुन में आ गई सर? ऊपर वाला वापस लेना, मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि अल्फा हमारा वेरिएबल है ना, तो अगर अल्फा वेरिएबल है तो अल्फा में आप देखो हर पॉइंट के लिए, हर एक्स के लिए अल्फा अलग अलग है कि नहीं, यानी ऐसे समझो कि दो रोड है मान लो, तो एक का अल्फा वन है एक का अल्फा टू है, तो इसका मतलब और एक की लेंथ एल वन एक की लेंथ एल टू है, तो दोनों में इंक्रीमेंट अलग अलग होगा कि नहीं होगा, डेल्टा एल वन एक में होगा डेल्टा एल टू एक में होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा एक ही मटेरियल की बनी हुई रॉड है, मतलब एक ही रॉड है उसमें, लेकिन अल्फा वेरी कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक्स पे जाके डीएक्स लिया, तो उस डीएक्स के लिए जो अल्फा है वो ए एक्स प्लस बी है कि नहीं, तो हमने उसका इंक्रीमेंट की पहले बात करी, तो उसका डेल्टा एल उसके लिए फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने, यानी वो लेंथ मैंने इनिशियल मान ली कि वो लेंथ कितना है, उसकी इनिशियल लेंथ है एल नॉट मान लो, जैसे एल नॉट ले रहे हैं, तो यहाँ उसकी इनिशियल लेंथ क्या हुई, डीएक्स हुई, अब डीएक्स में ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी का टेम्परेचर बढ़ाया मान लो हमने, तो डीएक्स का इंक्रीमेंट होके वो बन गया हमारे पास में डीएल, जो कि मैं डीएल ले रहा हूँ ये, है ना। और फिर हमने पूरी रॉड के लिए निकाला तो उसको इंटीग्रेट कर दिया पूरी लेंथ के लिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर, लिख लो इसको, ये पहला पार्ट। सर जनरली किसी मटेरियल के लिए अल्फा कांस्टेंट ही रहता है ना? हाँ, लेकिन क्वेश्चन तो बना सकते हैं ना, आईआईटी वाले थोड़ी कहेंगे आपसे कि बेटा देखो, हाँ वो तो अपना कुछ भी काम कर सकते हैं बेटा, ये तो है ना, उन पे भरोसा नहीं कर सकते ना हम लोग।
लिख लिया सर? एक सर, डीएल टू डीएल वन से इसलिए ज्यादा ना क्योंकि वहां पे अल्फा ज्यादा है। हाँ इसीलिए। हाँ ठीक है। और हर पॉइंट का डेल्टा जो चेंज इन टेम्परेचर है ना वो सेम है। ठीक। अब यहाँ क्या है, दूसरा है कि टेम्परेचर के साथ भी वेरी कर सकता है, यानी अल्फा जो है, अल्फा हमारे पास में ये एफ ऑफ टी बन सकता है ना, मतलब अल्फा जो है किसका वेरिएशन है, टेम्परेचर का। तो अब यहाँ क्या है टेम्परेचर का, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लो जैसे कि लेंथ है, है ना, तो हर एक के लिए इसमें अभी अल्फा पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है, यानी हर एक के लिए अगर कोई भी डीएक्स लेते हैं तो वही इंक्रीमेंट जितना इस डीएक्स में होगा ना वही इंक्रीमेंट इसमें होगा। आगे बात सुन में, इस डीएक्स और इस डीएक्स में इंक्रीमेंट दोनों में सेम होगा जब भी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास में अगर है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ हमारे पास ये क्या जाएगा, तो हर एक में अगर सेम है तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू है डीएल बाई, अब यहाँ डीएक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ है ना, तो डीएक्स क्योंकि ये इसके साथ वेरी कर रहा है तो डीएक्स क्या हो गया, इस डीएक्स की जगह तो एल नॉट लूंगा ना मैं, इनटू डेल्टा टी लूंगा ना, क्योंकि डीएक्स में क्योंकि उस एक्स डिस्टेंस पर अल्फा वेरी कर रहा था इसलिए मैंने डीएक्स वाला पॉइंट लिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर पॉइंट पर कोई भी डीएक्स अगर आप लेते हो तो सब में इंक्रीमेंट क्या होगा, सेम होगा, इसलिए एल नॉट तो आप वही लोगे और यहाँ डीएल क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी इनटू एल नॉट, और इसको इंडिकेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ टी, डेल्टा टी की जगह डी टी ले लेंगे और एल नॉट तो जो कि इसको बाहर ले लेंगे और इसको इंडिकेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इसको सर। तो इसमें मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे और क्या बोलते हैं, हर जगह पे अगर dx पार्ट लूंगा तो इंक्रीमेंट सेम रहेगा ना? सेम रहेगा, इसलिए तो मैंने l नॉट ले लिया वहां। हाँ मतलब पूरा ठीक है। तो इस पर अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है इन दोनों पॉइंट के ऊपर, तो बना सकता है लेकिन तो ये पॉइंट ध्यान रखना है बस। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास में एग्जांपल 11 है, मान लो लिख लिया ने? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे एग्जांपल 11 में क्या कह रहा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर रॉड, आयरन रॉड, इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय 100 डिग्री सेल्सियस, चेंजेस बाय, यानी इसको ना डेल्टा टी कितना है यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें अल्फा कांस्टेंट ही है ना, और अल्फा अपने को दे रखा, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, यानी अल्फा इक्वल टू डीएल बाय एल डीटी, यानी हमारे पास आ गया डीएल बाय एल इक्वल टू अल्फा डीटी इनटू 100 इनटू 100, ये पूछ रहा है वो। तो अल्फा कितना है, तो 2 इनटू 10 टू पावर माइनस 5 इनटू 100 इनटू 100, यानी कितना आ गया, ये आ गया 0.2%। तो ये आंसर है। सर मुझे एग्जांपल 10 समझ नहीं आया, एक बार समझा सकते हैं क्या? ऑप्शन क्या है, एग्जांपल 10 भी है क्या, इसका क्या दिया है? अच्छा हाँ हाँ, जैसे ये दिया मान लो, एग्जांपल 10 समझा लेते हैं। इन द गिवन फिगर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस, तो देखो
ये हमारे पास में एक ऐसी डिस्क दिया हुआ है जिसमें सिर्फ इतना है, तो आप ध्यान से देखो ये रेडियस इसका कितना है, आर वन है, और ये कितना है, आर टू है। मैंने क्या कहा, ये पॉइंट ले लो, मान लो ये दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, है ना, यहाँ से दो पॉइंट ले लो, तो आप देखोगे कि आर वन भी क्या करेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर वन भी इंक्रीज करेगा, आर टू माइनस आर वन भी इंक्रीज करेगा। मैंने कहा ना दो कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करेगी हमेशा। आप चाहो तो ये वाले पॉइंट ले लो, ये और ये पॉइंट ले लो, है ना, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ले लो, ये डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। अरे बस माँ बाप कहेंगे सर आर वन भी तो इंक्रीज करेगा तो आर टू इंक्रीज करेगा तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, नहीं मतलब डिफरेंस वही बना रहेगा कि आर टू माइनस आर वन, नहीं वो भी इंक्रीज कर जाएगा, मालूम है, आर टू माइनस आर वन भी इंक्रीज कर जाएगा। कोई भी दो पॉइंट चूज करो, कोई भी दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? किसने कहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस, तो आर वन भी इंक्रीज करेगा, आर टू भी इंक्रीज करेगा, आर टू माइनस आर वन भी इंक्रीज करेगा, सब इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ ये कॉन्सेप्ट है, वही बताना चाह रहा था ऊपर वाले में, कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो करेगी। अब आपको लगेगा सर कैसे, ये तो अगर ये इधर आ रहा है तो ये तो इंक्रीज डिक्रीज करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये वो अगर इधर आ रहा है तो इसी प्रोपोर्शन में ये भी इधर कहीं जा रहा होगा, तो वो डिस्टेंस इंक्रीज करना ही करना है। ठीक है भाई, आप तो ऐसे समझो ना सिंपल, जैसे अभी जैसे आप इसको देख रहे हो, अभी आप देखोगे कि जैसे ये छोटा हो गया ना जैसे साइज में, तो उसी प्रोपोर्शन में छोटा हुआ तो उसी प्रोपोर्शन में क्या हो गया, देखो बड़ा हो जाएगा, तो हर एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या करेगी, यहाँ इंक्रीज करेगी, यानी जो फोटोग्राफिक प्लेट है वैसे समझो आप तो उसको, तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, या जैसे आप मान लो किसी का फोटो लेते हो तो क्या करते हो आप, ऐसे एक्सपेंशन करते हो ना किसी से स्क्रीन को, क्या करते हो आप, एक्सपेंड करते हो, तो वो उसी प्रोपोर्शन में हर एक लेंथ हाइट साइज जो भी है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, हर एक पॉइंट के बीच के आपस में डिस्टेंस क्या करती है, इंक्रीज ही करती है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसको, और आजकल तो मोबाइल का जमाना है तो सबको समझ में आ ही गया होगा यार। हाँ सर। तो वो लिख लो, तो इस तरह से करेंगे, जैसे भी एक और एग्जांपल लेता हूँ, सर एग्जांपल 10 में जो आर वन के दो पॉइंट्स होंगे वो तो डिक्रीज होंगे ना, जो अंदर के हैं, कौन से बताओ मुझे। अच्छा, आपको लग रहा है कि अंदर की तरफ जाएगा, हैं ऐसा लग रहा है आपको? हाँ सर। नहीं, अंदर की तरफ नहीं जाता, उसका एक्सपेंशन होगा यार। अभी भी मैंने क्या कहा, आप तो ऐसे समझो, तभी तो बोला गया ना फोटोग्राफी प्लेट की तरह समझना है भाई। आप तो ऐसे समझो कि मान लो आपने आपके मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचा, मान लो इसी डिस्क का फोटो खींचा है, अब आप उसको आप अपने हैंड से क्या करते हो, ऐसे दूर लेके, मतलब ऐसे क्या बताएं, हम कैसे समझाऊं मैं, जैसे भी इसका समझाता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे इसको देखो आप, देखो ये देखो, इसको देख रहे हो आप, ये डिस्क देखो, कहाँ ये डिस्क, ये इसको देखो आप, ये एक्सपेंशन क्या मालूम है, देखो ना उसी प्रोपोर्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो ना क्या गैप कम हो रहा है, वो इस तरह से समझा, समझ मारी बात तो नहीं। हाँ सर।
इस तरह से हम लोग करेंगे। क्या रहेगा इसमें, लीनियर एक्सपेंशन का हो गया। अब इसमें जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जैसे मान लो कोई पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक है मान लो, है ना, उसका टाइम पीरियड में अगर वेरिएशन हो रहा है तो जो पेंडुलम क्लॉक होता है, या सिंपल पेंडुलम आप ले लो, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड उसमें चेंज होता है तो किसकी वजह से चेंज होगा, सिंपल पेंडुलम की बात करें तो लेंथ में, तो जिस वायर से वो बॉब कनेक्टेड है मान लो, उस वायर का लीनियर एक्सपेंशन अपने को गिवन है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा उसका अल्फा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेंथ चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा तो टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का चेंज होता है, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसमें उसमें क्या करता है, वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से उसका तो टाइम का क्या होगा, लॉस होगा, या टाइम का क्या होगा, गेन होगा। तो टाइम का लॉस होगा तो अपने को क्या बताएगा टाइम, वो टाइम का लॉस होने का मतलब है कि टाइम हमेशा कम दिखाएगा अपने को, है ना, और टाइम गेन का मतलब वो टाइम अपने को क्या दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा। देखो कैसे, तो नेक्स्ट हमारे पास में सर एक डाउट था। हाँ पूछो सर, वो मिसलेनियस में प्रॉब्लम नंबर 11 है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है, सेम ही चीज है। एक मिनट रुको, मिसलेनियस में लास्ट में जाके 11th प्रॉब्लम, हाँ बताओ। अच्छा ये वाला बताता हूँ मैं, ठीक है, मैं आपको इस ऐसा एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले ये भी चलो प्रॉब्लम नंबर 11 का करते हैं, है ना। इसमें दो केस लेता हूँ मैं, पहला केस तो ये जिसने दिया है, है ना, ये केस ले लेते हैं, और दूसरा केस एक और ले लेता हूँ मैं, मतलब दोनों आइडेंटिकल है, ये मेटल के बने हुए मान लो, है ना, तो ये ऐसा समझो कि ये बैंगल है मान लो, है ना, हाँ सर, लेकिन ये उसका आधा टुकड़ा है। अब होता क्या है एक्चुअल में, इसमें क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो इसका जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है इसका, वो यहाँ कहीं होगा, वो रेस्ट पे पड़ा रहता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते नहीं हो, तो उस केस में क्या होता है, वो तो रेस्ट पे रहेगा सेंटर मास, तो ये क्या होगा, ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा, है ना। उसी तरह इसके लिए जाओगे आप, इसके ये डिस्टेंस इसके यहाँ चला जाएगी, यानी लेंथ यहाँ चली जाएगी डिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट की यहाँ चली जाएगी, है ना। उसी तरह इसका देखेंगे तो ये डिस्टेंस मान लो यहाँ चली, ये मतलब ये पॉइंट यहाँ चला गया और ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाता है, तो आप देखोगे कि इसमें इस तरह का गैप मतलब ये बनता है, है ना। तो आप यहाँ देखो कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा होगा क्योंकि ये पॉइंट यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसके ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो यहाँ गैप क्या कर रहा है, ये गैप बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो इनका गैप क्या कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर ही पड़ा हुआ है, तो गैप इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट समझ में आया पहले सर? वो मेरे को समझ में नहीं, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि प्लेट का अगर हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ाया ना, वो जो सर्कल है आर्क, तो उसपे कोई भी दो पॉइंट लिया, अभी जहाँ पे गैप है ना उसके बाजू में गैप है, दो पॉइंट लिया तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना, और यहाँ पे भी दो पॉइंट लिया तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, तो जो गैप है उसमें डिस्टेंस कम होगा ना।
बेटा डिस्टेंस तो इंक्रीज ही करेगा, गैप कम क्यों होगा? मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी दो पॉइंट लोगे डिस्टेंस तो इंक्रीज ही करेगा हर एक पॉइंट के बीच में, वही हाँ, तो बोल रहा हूँ बार बार। मैं बोल रहा हूँ सर जो अगर हम लोग ने वो जो गैप है ना, इसलिए तो बेटा मैंने, अरे इसलिए तो मैंने ये लिया है ना, देखो ना इसका सेंटर मास यहाँ होगा, इसलिए तो उसमें मुझे मालूम है आपको क्या डाउट है, और इसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, तो अभी इसका सेंटर मास तो रुका हुआ है, तो ये पॉइंट लो आप, ये डिस्टेंस इस ये वाली डिस्टेंस क्या करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा, उसके बाद ये वाला पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा है ना, तो ये यहाँ चला गया। उसी तरह इसका सेंटर मास तो यहाँ है ना, अभी ये वो तो अलग सिस्टम बन गया, अलग सिस्टम बन गया, तो इसका इसका सेंटर मास कहाँ जाएगा, इसका सेंटर मास यहाँ जाएगा, मतलब सॉरी सेंटर मास के रेस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ सेंटर मास के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ, इसका मतलब यहाँ चला गया ना, तो गैप क्या हुआ इस केस में, डिक्रीज करेगा, तो इस केस में डिक्रीज करा, उस केस में तो इंक्रीज ही करेगा। तो यहाँ तो ये क्या करेगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, तो इस केस में डिक्रीज करेगा, इस केस में भी डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ, लेकिन इस केस में क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। आगे बात सुन में, ये पॉइंट ध्यान रखिए, सेंटर मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा ना, इस दोनों सेंटर मास हमेशा रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं सिस्टम पर, तो वो मूव नहीं करेगा। और ये पूरा एक सिस्टम है, देखो ये दो अलग अलग सिस्टम है यहाँ। पोजीशन हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना सब पॉइंट्स का, हाँ सबका देख रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी दो पॉइंट आप चूज कर लो यहाँ, इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ये कह रहा हूँ मैं, कोई भी दो पॉइंट चूज कर लोगे ना, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम क्लॉक विथ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ में, तो देखो कैसे, जैसे मान लो ये हमारे पास में सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ एल है, तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा है ना, ये मान लेते हैं थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, और इसका टाइम पीरियड हमने मान लिया कि टी है, तो टी कितना होगा इसका, 2π√L/g होता है। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका अल्फा भी गिवन है, मान लो कि अल्फा इसका जो कि कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा जो कि कांस्टेंट है। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा के ले गए थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू 2π√L(1+α/δθg) होगा कि नहीं होगा। टाइम पीरियड क्या कर गया इसका, टाइम पीरियड क्या कर गया इसका, इंक्रीज कर गया। अब टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो इसका लॉजिक समझेगा, होता है क्या एक्चुअल में, जो पेंडुलम क्लॉक होता है वो क्या करता है कि ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है और ये इधर एक्सट्रीम पॉइंट होगा है ना, तो उसमें क्या होता है कि मान लो ये यहाँ से ये टी इक्वल टू जीरो में ये ले रहा हूँ मान लो है ना, तो यहाँ से यहाँ गई तो कितना टाइम पीरियड लग, कितना टाइम लगता है, टी बाई फोर लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ गया तो टी बाई फोर, फिर वापस आया टी बाई फोर, वापस आया टी बाई फोर, सब मिला के टी हो गया, यानी एक ऑसिलेशन मानेंगे, एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन चलता है, है ना, तो उसमें मान लो इस तरह से हमने सेट किया हुआ है पेंडुलम क्लॉक को कि जब वो यहां से यहाँ आता है, कहां से, ए से बी जब आता है तब मान लो वो 1 सेकंड चलता है, तो फिर जब बी से सी जाएगा तो कितना चलेगा, 2 सेकंड
मतलब उसका जो निडल है सेकंड वाली निडल है वो दो सेकंड चला, फिर मान लो सी से बी आया तो फिर से वो 1 सेकंड है ना, और फिर बी से ए आया फिर से 1 सेकंड, यानी एक जब साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया तब मान लो वो निडल जो है वो 4 सेकंड आगे बढ़ गई है। ये पॉइंट क्लियर हुआ पहले तो? हाँ सर, है ना। तो वो लेकिन किस पर है, मान लो इस टी के लिए है, इस टी के लिए है, वो किसके लिए, इस टी के लिए है ना, कि एक ऑसिलेशन पे 4 सेकंड चलना है, दो ऑसिलेशन पे 8 सेकंड चलना है। अब मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब ध्यान से समझिएगा देखो इस पॉइंट को, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, तो टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो आप ये देखो कि अभी वो 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन था, अब एक ऑसिलेशन लेने में मान लो 6 सेकंड ले रहा है, कितना ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है। अगर कोई हमारे पास करेक्ट वॉच है तो वो तो ये कहे, उस करेक्ट वॉच से क्या कहेंगे हम लोग कि 6 सेकंड लिया, लेकिन ये जो वाला पेंडुलम क्लॉक है ये तो अभी भी अपने को 4 सेकंड ही दिखाएगा एक साइकिल में, क्योंकि उसका साइकिल ऐसा बना हुआ कि जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो 4 सेकंड नहीं चला सकता, तो 2 सेकंड का लॉस हो गया ना। देखो पर एक बार आप रिपीट करें, मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट को समझना जरूरी है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेड क्वेश्चंस भी नहीं आए भाई। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक करेक्ट वॉच है, जब ये हमने पेंडुलम थीटा डिग्री सेल्सियस पे यूज कर रहे थे तो ये पेंडुलम क्लॉक और एक जो डिजिटल क्लॉक हमारे पास में, दोनों का टाइम सेम चल रहा था। क्लियर है, पहला पॉइंट तो ये, जो कि थीटा डिग्री सेल्सियस पर दोनों करेक्ट टाइम दिखा रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल क्लॉक तो अपना करेक्ट नहीं दिखा रही, कैसा भी टेम्परेचर चेंज करो वो चेंज नहीं कर रही है, लेकिन जो हमारे पास में पेंडुलम क्लॉक है इसका टाइम पीरियड बढ़ गया ना, तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो मान लो टाइम पीरियड हो गया इसका 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में पहले क्या था, 4 सेकंड में एक साइकिल चल रहा था है ना, तो अभी क्या हो गया कि 6 सेकंड में एक साइकिल चल रहा है, लेकिन ये जो पेंडुलम क्लॉक हमारे पास में है वो तो इस तरह से सेट हो रही कि जब वो मतलब ए से बी चलता है तो वो 1 सेकंड निडल को घुमाता है ना, फिर बी से सी जाएगा फिर से 1 सेकंड घुमा रहा है, फिर बी से सी से बी आएगा फिर से 1 सेकंड, तो है ना, बी से ए तो फिर से 1 सेकंड, तो हमारा जो पेंडुलम क्लॉक है वो इस बड़े हुए टेम्परेचर पर भी 4 सेकंड ही दिखा रहा है, जबकि टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड हो गए ना। दो सेकंड का नुकसान हो गया ना, ये लॉस हो गया। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस केस में क्या होगा, टाइम का लॉस होता है, कम टाइम दिखाएगा वॉच, जबकि टाइम हो जाएगा ज्यादा। अभी ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ सर, क्योंकि वो जो निडल चल रही है ना, सेकंड निडल जो चल रही है वो तो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि वो जो पेंडुलम क्लॉक है ना, वो जो घूम रहा है वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर वो उसको तो ये लग रहा है कि 4 सेकंड में ऑसिलेट कर रहा है तो वो तो उसी हिसाब से 4 सेकंड ही चलाएगा ना, उसको 4 सेकंड ही चलाएगा ना, तो आगे ठीक है ना, लेकिन नुकसान कितने का हो गया, 2 सेकंड का हो गया, क्योंकि जो डिजिटल क्लॉक है वो तो 6 सेकंड दिखा रही है। पॉइंट क्लियर है भाई सबको? हाँ, तो yes, क्या sir. करेंगे अब इसमें हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में मान लो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे चलेंगे हम लोग, किस पे चलेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर है ना, तो यहाँ से देखो किसी जनरल टी टाइम की हम बात करेंगे, तो अगर किसी जनरल टी टाइम की मैं बात करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ लॉस और गेन इन टाइम, ठीक है, तो हम किसी जनरल टी टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से समझिएगा, देखो टी बाई टी माइनस टी बाई टी डैश, ये समझ में आ रहा है, किसी जनरल टाइम टी की हम बात कर रहे हैं,
इन टाइम लॉस और गेन इन टाइम टी हम बात कर रहे हैं, तो टी बाई टी क्या हो गए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो गए ना, माइनस टी बाई टी डैश। अब इस केस में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगे, टी बाई टी डैश में कम होंगे ना, तो डिफरेंस कितने ऑसिलेशन का आ रहा है, तो टी बाई टी माइनस टी बाई टी डैश का लॉस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, टी डैश की वजह से आ रहा है ना, तो ये टाइम लॉस हुआ ना या गेन हुआ। तो अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लॉस होगा, टाइम पीरियड घटेगा तो गेन होगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो टी बाई टी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से पहले वाले, और बाद में ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे उसी टाइम के लिए कम हो जाएंगे ना, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, तो उन ऑसिलेशन का में जो डिफरेंस आ रहा है उसी की वजह से तो वो लॉस आ रहा है, उसको टी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारे पास आ गया टी इक्वल टू टी को बाहर ले लो तो आ जाएगा टी डैश बाई टी माइनस वन, और वो वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा टी इन टू, तो ये वैल्यू मिलेगी अपने को वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू पावर हाफ माइनस वन, लेकिन ये क्वांटिटी तो काफी स्मॉल होती है, तभी तो ये फॉर्मूला यूज किया हमने, उस केस में टी और ये जाएगा वन प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा बाइनोमियल एक्सपेंशन माइनस वन, तुम्हारे पास आ गया हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा, ये टाइम गेन और लॉस हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब टाइम का लॉस होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो टाइम का क्या होगा, गेन होगा। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन क्या होगा, लॉस इन टाइम। When temperature decreases, gain in time. तो ये क्या हमारे पास में gain और loss. ठीक है, तो ये point लिख लो आप। सर स्मॉल टी बाय टी क्या है, कैपिटल टी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो गए ना, भाई हमने शुरू किया रात को 12 बजे और सुबह 12 बजे तक मान लो हम देख रहे हैं, है ना, ऑसिलेशन चल रहे हैं, तो टी क्या हो गया, 12 आवर्स हो गए ना, उस 12 आवर्स में कितना लॉस हुआ है, तो पहले का जो टाइम है ना, सर वो एक बार नहीं समझ में आ रहा कि वो टाइम का लॉस कैसे हो रहा है, वो भाई ऐसा है कि जो पेंडुलम क्लॉक है उसका तो निडल जो है ना वो हाँ। उसी हिसाब से जाता है कि जब ये पेंडुलम जो है वापस मतलब ए से बी जाके बी से सी जाके सी ए से बी से सी सी से बी से ए जब वापस आएगा तो हमने देखा कि उसको तो ये लग रहा है ना पेंडुलम को उसको तो इसको निडल को तो कि जब ये ए से बी जाएगा तो मुझे 1 सेकंड चलना है, उसको ये नहीं मालूम है, उसका सेटलमेंट हमने इस तरह से कर दिया वहां ऊपर उसको इस तरह से सेट कर दिया कि जब ये ए से बी जाएगा तो 1 सेकंड ही चलता है वो तो उसे हाँ, उसको थोड़ी मालूम है इसका टाइम पीरियड बढ़ गया है, वो तो उसको तो ये लगेगा जब तक ये ए टू बी नहीं पहुंचेगा मुझे 1 सेकंड नहीं जाना है। अरे हाँ, मतलब अगर ए से बी अगर टाइम बढ़ गया 1.5 सेकंड लग रहा है तो 1 सेकंड लग रहा है तो वो तो हाँ, लेकिन निडल जो सेट हो रहा है वो तो 1 सेकंड ही ले जाएगा ना उसको वहाँ हाँ, उसको थोड़ी बताए कि इसका टाइम पीरियड बढ़ गया है उसका तो हाँ, तो इस तरह से मैकेनिज्म उसका होता है, इस तरह से उसको सेट कर दिया, उसका कर दिया सिंक्रोनाइजेशन में इस तरह डाल दिया कि जब वो ए टू बी जाएगा तो 1 सेकंड चलना है, लेकिन उसको थोड़ी मालूम है कि ए से बी जाने में 1.5 मिनट लग रहा है, 1.5 सेकंड ले रहा है,
उसको तो लग रहा है कि 1 सेकंड ही गया, जाना है मुझे तो बस। हाँ तो हाफ सेकंड का लॉस हो गया। हाँ समझे, तो आपका लॉस हो गया ना उसी उसी टाइम में, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है समझे, हो गया सर, हो गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उसी तरह से हमारे पास आता है कि जैसे बाई मेटालिक की स्ट्रिप है, मान लो उसका बताता हूँ मैं आपको। बाई मेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है कि ये इस तरह से है। अभी दोनों की जो लेंथ है वो एल नॉट है, इसका अल्फा टू है, इसका अल्फा वन है, लेकिन अल्फा टू जो है वो अल्फा वन से ज्यादा है, और ये मान लो थीटा डिग्री सेल्सियस पर है। तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस, तो ये जो अल्फा टू वाली उसकी तो लेंथ ज्यादा बढ़ेगी ना, तो होता है क्या, ये ऐसे आर्क बन जाता है। और ये जो हमने लिया इनकी थिकनेस मान लेते हैं कि डी है, दोनों की थिकनेस क्या है, यहाँ डी है, तो हमें बताना है कि इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी जो स्ट्रिप बनी इसकी रेडियस क्या होगी। इसकी रेडियस यहाँ से देखते हैं, देखेंगे हम लोग, ये आर है और ये एंगल हमने मान लिया कि ये एंगल मान लो फाई है, तो यहाँ इसकी लेंथ इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो ये लेंथ ये यानी इसकी रेडियस हो जाएगी आर प्लस क्या हो जाएगा डी बाई टू, और इसकी जो लेंथ है ना वो इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे, इसके लिए हो जाएगा ये आर माइनस डी बाई टू। तो ऊपर वाली की लेंथ एल नॉट, तो क्या हो जाएगा यानी एल टू इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा, और एल वन इक्वल टू होगा एल नॉट वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है आर प्लस डी बाई टू इन टू फाइव, और ये इक्वल टू क्या होगा एल टू ना, और R माइनस डी बाई टू फाइव, ये क्या होगा L1 ना। तो ये हमारे पास ये आ गया L नॉट वन प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा, और ये L नॉट वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस है ना। ये क्वेश्चन वैसे तो जय एडवांस में आ चुका है एक बार कि इसकी रेडियस क्या होगी, है ना। तो रेडियस फाइंड कर लेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि फाइव भी हमारे लिए तो अननोन ही है, एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आर प्लस डी बाई टू डिवाइडेड बाई आर माइनस डी बाई टू इक्वल टू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा टू पावर माइनस वन, यानी हो गया आर प्लस डी बाई टू बाई आर माइनस डी बाई टू इक्वल टू ये हो जाएगा वन प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा, और ये हो जाएगा वन माइनस अल्फा वन डेल्टा थीटा बाइनोमियल एक्सपेंशन से, क्योंकि ये क्वांटिटी लेस देन वन है, तभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया हुआ है ना। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आर प्लस डी बाई टू, और ये हो जाएगा R माइनस डी बाई टू, या मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस दरअसल ये आ जाएगा इक्वेशन फाइनली। अब आप कहेंगे से बाकी का क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो और भी स्मॉल हो जाएगा ना, तो उसको नेग्लिजिबल मान लूंगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, तो R प्लस डी बाई टू इक्वल टू डायरेक्टली सीपी लगा लो ना, लगा दे a by b equals c by d equals a plus b by a minus b equals c plus d by c। लगाओ लगाओ उसमें क्या है ना, वैसा कर लो जैसा भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस
डी बाई टू माइनस डी बाई टू अल्फा टू माइनस अल्फा वन डेल्टा थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, और है ना, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी, इसको उधर ले गया तो डी, और ये क्या मिलेगा आपको, या तो डी और इसको भी उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा डी प्लस डी बाई टू, ये हो जाएगा अल्फा टू माइनस टू, ये हो जाएगा अल्फा टू माइनस अल्फा वन आर डेल्टा थीटा। तो यहाँ से क्या करो, डी को बाहर ले लो और टू को भी एलसीएम ले लो, यह मिलेगा अपने को टू प्लस अल्फा टू माइनस अल्फा वन डेल्टा थीटा इक्वल टू अल्फा वन, अल्फा टू माइनस अल्फा वन आर डेल्टा थीटा, और ये वैसे भी टू के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होगा। तो यह हो जाएगा हमारे पास में आर इक्वल टू डी बाई टू, और ये हो जाएगा अल्फा टू माइनस अल्फा वन डेल्टा थीटा। तो यह आंसर होगा इसका, ठीक है, तो लिख लो इसको। लिख लीजिए, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। तो ये चैप्टर तो आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका भी होमवर्क करना शुरू कर दो यार। एनसीईआरटी कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, अभी नहीं हुआ सर, आधा हुआ है। कर लो यार धीरे धीरे, वो भी कर लो थोड़ा थोड़ा करके, उसको भी डिस्कस कर लूंगा। सर नीचे की क्या करना है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कैलोमेट्री में भी क्या क्या करना है? कैलोमेट्री में सेक्शन ए, पार्ट वन पार्ट टू दोनों का सेक्शन ए कर लो अभी तो, और वो उसका वो कंपैरिजन ऑफ टेम्परेचर वाला जो था वो कर लो, थर्मल एक्सपेंशन वाला बाद में कर लेंगे हम लोग। सर कल अगली क्लास में एक्सरसाइज 3 पे होगा कि एनसीईआरटी न्यूक्लियर का? पहले यार पहले ये करेंगे ना हम, तो पहले शीट करेंगे फिर जाएंगे उस पर, तो एनसीईआरटी पे पहले शीट कंप्लीट करेंगे फिर एनसीईआरटी करेंगे। सर आप ना नेक्स्ट क्लास का होमवर्क बता दीजिए, मतलब जो डिस्कस होगा अच्छे से वो बता दीजिए पूरा। अच्छे से बोल तो रखा, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4 है एक तो, हां मॉडर्न इसका न्यूक्लियर फिजिक्स का, फिर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 पार्ट 2 है, फिर इसका कैलोरीमेट्री का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 है सेक्शन ए, सीक्वेंस अच्छे से बता तो रखा है।
जो होता जा रहा करते जाओ और क्या, ये जितने ज्यादा अच्छे से आप अपना अपने से मतलब सेल्फ स्टडी करोगे ना, उतना ही आपको परफेक्शन आता जाएगा। जब तक आप बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, नहीं सोचोगे, तब तक चैप्टर न समझ में आने वाला है, न सब्जेक्ट समझ में आने वाला है। और एक बार समझ में आ जाएगा तो फिजिक्स का ऐसा है, मार्क्स आते ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिन्होंने समझ के कर लिया उनके मार्क्स आने ही आने, पेपर भले टफ आए या इजी आए। थोड़ा और नीचे हो गया सर। चलिए फिर, है ना, करते रहो आप तो, बस क्वेश्चंस करते रहो, जो पढ़ाया जा रहा है उसके सारे क्वेश्चन कर डालो, जिस भी चैप्टर का हो जाए वो कर लो, करो बस, बाकी दिमाग मत लगाइए इधर उधर का। हाँ पूछो, किस में आर वन प्लस डी बाई टू को एल वन ओवर को कैसे लिखा था, किस वाले में, एसी में जो हमने प्रूफ किया अभी, इसमें जो आर आर प्लस डी बाई टू थीटा इक्वल टू कैसे लिखा था मैं? वो यहाँ से भाई आर उस वाले से लिखा ना मैंने, प्लेन एंगल के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि जो आर है ना वो आर यहाँ से देखते हैं, इनका जो इंटरसेक्शन वाला जो है ना, यहाँ से देखा मैंने आर, ये कहाँ गया यार, एक मिनट रुको। मैंने यहाँ से देखा ये ना, इसका काम क्या हो गया, यानी क्या प्रॉब्लम है इसमें, कैसे बताओ यार मैं। रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो भले ही।